हाँ बिल्कुल गिरिधर, जो किताब के बारे में जो 5 सेक्शन है उसके बारे में आप ब्रीफ कर रहे थे, तो उसमें भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उन सवालों पे जाने से पहले आप उस सेक्शन से पहले, 5ों सेक्शन से पहले एक और सेक्शन की तरह ही लिखा है, व्हाई वी मस्ट सपोर्ट गवर्नमेंट स्कूल्स। तो आप कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल को सपोर्ट करने की वकालत कर रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि सरकारी स्कूल जरूरी है? हाँ, ये बात सही है कि मैंने जो किताब लिखी है पब्लिक स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूलों को की वकालत करने के लिए लिखा है, क्योंकि भारत में आप सब जानते हैं, मुझसे अच्छा आप जानते हैं कि रीढ़ जो है ना, रीढ़ की हड्डी, वो हमारे पब्लिक स्कूल्स, हमारे गवर्नमेंट स्कूल। और अगर हमारे देश को मजबूत बनाना है तो हमारी जो ये गवर्नमेंट स्कूल की जो रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत बनाना है, उसको पक्का बनाना है। कोई ये नहीं कह सकता है कि वी कैन सर्वाइव, वी कैन डू वेल, इम्पॉसिबल। अगर आप एक भारत चाहते हैं जो हमारे संविधान में हमने ड्रीम किया हुआ है, उसके लिए बहुत एसेंशियल है कि हम सब मिलकर अपने पब्लिक स्कूल्स को सपोर्ट करें। ये क्योंकि क्या, इफ एवरीबडी कुड गो ऑन म्यूट, क्योंकि ऐसा है कि अब अगर अगर आप देखेंगे तो इवन इन इवन ओवर वेरियस प्लेसेस अक्रॉस इंडिया, पेरेंट्स की जो एवरेज इनकम होती है 7,000 होती है, 8,000 होती है, 10,000 होती है। कोई कुछ कर रहा है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई किराना दुकान है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई छोटा सा 2 एकड़ पे खेती कर रहे हैं, इस तरह के लोग हैं। और इन सब के लिए अगर कुछ हो तो वो गवर्नमेंट स्कूल है, और गवर्नमेंट स्कूल के माध्यम से ही हमारे कल के नागरिक निकलेंगे, गवर्नमेंट स्कूल के माध्यम से ही ये लोग आगे पढ़ के कुछ बनाएंगे जिंदगी का। ये एक वास्तविक है, वास्तविकता है कि 60% हमारे बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल ही एक ही विकल्प है। जो बाकी है वो इस तरह, जैसे मैंने कहा, अपने 10,000 की इनकम से 700 रुपए, 800 रुपए निकाल के प्राइवेट स्कूल में डालो, फिर वहां पे शूज टाई वगैरह बनाओ, बस की खर्चा निकालो, क्यों करें ये सब? हमारे जब अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल अपना काम कर रहे हैं, वहां पे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वहां पे हमारी सामग्री है, वहां पे काम हो रहा है, सबको बताना चाहिए और पता होना चाहिए कि आपके लिए ये गवर्नमेंट स्कूल है और आपके लिए गवर्नमेंट स्कूल काम कर रहा है। कई सारे रिसर्च हो चुके हैं जहां पे पता चला है कि ये जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बातचीत होती है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन पीपल को बताना चाहिए। दूसरी बात ये है कि द गवर्नमेंट स्कूल इज द ओनली स्कूल विच इज ओपन एनीवेयर इन द कंट्री। जहां पे भी, जहां पे आपको है कि लगता है कि 20 बच्चे हैं, उनको 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं जाना चाहिए, वहां पे एक स्कूल खुलती है। इसीलिए तो हमारे यहाँ 10 लाख स्कूल है, इसीलिए तो हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। क्यों ना ऐसे जब परिस्थिति हो तो हम, हमारा एक कर्तव्य है कि हम इन प्राइवेट पब्लिक स्कूलों को या गवर्नमेंट स्कूलों को सपोर्ट करें। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, पूरे विश्व, कैन यू गो सो ऑन म्यूट, इफ कैन गो ऑन म्यूट, थैंक यू। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, पूरे विश्व में ना गवर्नमेंट स्कूल को पब्लिक स्कूल कहा जाता है, पूरे विश्व में गवर्नमेंट स्कूलों को पब्लिक स्कूल कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल इज फॉर द पब्लिक, फॉर ऑल पब्लिक, फॉर एवरी सिटीजन, फॉर एवरी चाइल्ड। केवल इंडिया में ऐसे कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल को गवर्नमेंट स्कूल कहते हैं और प्राइवेट स्कूल को पब्लिक स्कूल कहते हैं, और ये एक बड़ा विचित्र चीज है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब मैं पब्लिक स्कूल की बात करता हूं और पब्लिक एजुकेशन की बात कर रहा हूं, हम अपने सिस्टम के और गवर्नमेंट स्कूलों की बात करते हैं। तो देयरफॉर उस किताब में मैंने शायद इंट्रोडक्शन में यही लिखा है अजहर भाई, कि वी मस्ट सपोर्ट गवर्नमेंट स्कूल्स बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर इंडिया, इट इज नेसेसरी फॉर आर सोसाइटी। इफ वी वॉन्ट टू बी अ फेयर सोसाइटी, इफ वी वॉन्ट टू बी अ गुड सोसाइटी, इफ वी वॉन्ट टू बी अ ह्यूमेन सोसाइटी, every child must get good quality education, and the only place where they can, where everybody has access to education is the government school. we must strengthen our government school. हाथ मल के बैठना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका गवर्नमेंट स्कूल शुड इंप्रूव, तो जुड़ जाइए, दबाव डालिए, प्रेशर डालिए, लेकिन उस स्कूल को अच्छा बनाइए, क्योंकि स्कूल आपका है। और लास्ट चीज मैं बताऊं,
ये लास्ट चीज बताओ, एक वास्तविकता. ओके श्योर. हमारे यहाँ वन मोर थिंग, द पॉइंट इज दैट आप अगर जाएंगे तो शायद 15 साल बहुत ही ज्यादा था, अब थोड़ा कम है, लेकिन बहुत बच्चों के लिए जो हमारा मिड डे मील है, शायद पूरे दिन में सुबह से लेके शाम तक, दिस इज द ओनली हॉट मील दैट दे गेट इन द डे. एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड्स दैट टू दीज चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम वेरी डिसएडवांटेज्ड फैमिलीज. डिसएडवांटेज्ड का आप हिंदी में मेरे से बेहतर बता सकते हैं. जरूर वंचित, वंचित उनके लिए ये मिड डे मील बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो सारे टीचर्स जो मुझसे मिल चुके हैं टोंक और सिरोही में और बाड़मेर में भी, क्योंकि मैं बाड़मेर में बाद में गया था, 2019 में गया था, और बाड़मेर के मेरे साथी टीचरों को याद होगा, आप सब जानते हैं कि हिंदी मेरी भाषा नहीं है, मैं तमिलियन हूँ और मैं अपनी हिंदी चलाता हूँ तमिल.